गूगल ने अपना एंड्रॉइड 16 यहाँ पे फाइनली रिलीज कर दिया और पिक्सल फोन्स के अंदर इसका अपडेट आ चुका है और मैंने भी गूगल पिक्सल 9a के अंदर एंड्रॉइड 16 को यहाँ पर थोड़ा टेस्ट कर लिया और देखा जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे पता है एंड्रॉइड 16 के अंदर क्या लगी, वो था नया मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव यूआई। देखा जाए तो विजुअल उसके एनिमेशन काफी अच्छे है, देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है और मेरी नजर में जितने भी एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनीज है ना, सबको मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव तो अडॉप्ट करना ही चाहिए क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ ब्रीथ ऑफ ए फ्रेश एयर और यहाँ पे आपको विजुअल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। एनिमेशन के स्टाइल काफी बदल गए, थीम्स वगैरह काफी अच्छे तरीके से बदल गए और एक मैंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा वो था हैप्टिक फीडबैक का। यहाँ पे जो हैप्टिक फीडबैक होते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑप्टिमाइज करा है तो यार देखने चलाने में तो बहुत ही अच्छा लगता और चलाने में भी काफी अच्छा लगता। और एक अच्छी बात मैंने इधर देखी कि जहां पहले एंड्रॉइड के अंदर जब ऐसे यूआई के चेंजेस होते थे तो कई लोगों को बग्स और इश्यूज आते थे ना, वो सारे इश्यूज जो रहते ना आपके मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है और स्मूथली और फ्लूइड तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो और मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, यहाँ पे अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का काफी अच्छा फीचर था जहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्रीन का रिफ्रेश रेट एडजस्ट हो सकता है और बैटरी भी बचाएगा और स्मूथ तरीके से काम करेगा। स्क्रोलिंग देखा जाए तो पहले से ज्यादा स्मूथ है और अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है जिसके अंदर आपको स्मूथनेस भी मिलती रहेगी प्लस अगर आप एक अच्छी बैटरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी गई है एंड्रॉइड के अंदर। इसके साथ ही बात कर रहे चलो मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव एक विजुअल ओवरहॉल था लेकिन एंड्रॉइड 16 के अंदर और क्या नई चीजें डाली गई है। सबसे पहले तो इन्होंने इंटीग्रेट किया लाइव अपडेट का फीचर, यानी कि आपको एक प्रोग्रेस स्टाइल की नोटिफिकेशन दिखाएगा, यानी कि अगर आप कहीं से खाना मंगवा रहे तो आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी खाना कितनी दूर तक आ गया या फिर अपनी राइड को ट्रैक कर सकते कि राइड आपकी यहाँ पे कहां तक आ गई। इस तरीके का काफी इंटरेस्टिंग फीचर बनाया और देखा है तो सिमिलर चीज यहाँ पे सैमसंग ने भी अपने नाउ बार के साथ क्रिएट कर चुकी है और वन प्लस और ओप्पो में लाइव करके आती है लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर जो एंड्रॉइड ने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। और बाकी ऐप्स अगर इसका फायदा उठाए तो जो लाइव अपडेट का फीचर होता है ना इसका बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो काफी अच्छा काम किया वो किया था नोटिफिकेशन अंदर, यानी कि ऑटोमेटिकली ग्रुप कर दो एक जैसी नोटिफिकेशन को ताकि आपको एक पर्टिकुलर टाइप की नोटिफिकेशन देखने को मिले। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन कूल डाउन का बहुत अच्छा फीचर है, कई बार होता है ना एक फालतू के बहुत सारी नोटिफिकेशन भेज देती है और आपका फोन बचता रहता है तो नोटिफिकेशन कूल डाउन का फीचर बहुत सही यहाँ पर लगा। इसके साथ ही एक अच्छा फीचर लगा प्रेडिक्टिव बैक जेस्चर का, यानी कि अगर आप बैक जेस्चर करेंगे तो कई बार आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाए कि कौन सी बैक स्क्रीन पर आप जाने वाले, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो एंड्रॉइड 16 के अंदर यहाँ पे बिल्ट किया गया है। इसी के साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड LE ऑडियो का सपोर्ट है, यानी कि अगर आप हियरिंग एड वगैरह कोई यूज करता है तो उसको कंट्रोल करना चाहता है क्विक सेटिंग्स के थ्रू मोबाइल फोन के अंदर तो वो कर सकता है यहाँ पे, जो बहुत अच्छा फीचर है। और यहाँ पे हियरिंग एड यूज करते समय जो माइक्रोफोन होता है मोबाइल फोन का उसको भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे तो वो भी काफी अच्छा फीचर है जो लोग हियरिंग एड वगैरह यूज करते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर डाला है। और जितने भी टेक एंथुजियास्ट है ना उन लोगों के लिए डेवलपर मोड के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर डाला है लिनक्स टर्मिनल का, लिनक्स टर्मिनल इंटीग्रेट करके एंड्रॉइड 16 में मजा आ गया और किसी को थोड़ी बहुत ट्वीकिंग और कुछ कमांड्स वगैरह डालनी है तो यार उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ ही देखा जाए तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी एंड्रॉइड 16 में ख्याल रखा गया जिसके अंदर एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स को इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि एडवांस प्रोटेक्शन मोड है जिसके अंदर आप एक टैप करके एक्टिवेट कर सकते हैं और डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर जिससे आपको ऑनलाइन जो थ्रेट्स आते हैं स्कैम कॉल्स आती हैं कोई आपके मोबाइल फोन के अंदर मलिशियस ऐप अगर आना चाहे कुछ हैक वगैरह करना चाहे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर AI का भी यूज हो रहा है और इवन अनसेफ वेबसाइट और जो USB अटैक्स होते हैं कि अगर आपने किसी की USB केबल लगा लिया पब्लिक चार्जिंग पॉइंट में अगर आपने USB केबल लगाई और USB जैकिंग जो यूज की जाती है उसको भी यहाँ पर अवॉइड किया जा सके, इस तरीके की प्रोटेक्शन भी एंड्रॉइड 16 के अंदर आ रही है। और इसके साथ ही आइडेंटिटी चेक का, यानी कि अगर आप अपनी किसी ट्रस्टेड लोकेशन से बाहर जाएं तो आपके बायोमेट्रिक की जरूरत पड़े लॉग इन करने के लिए ट्रस्ट करने के लिए ताकि आपका जो फोन है वो टोटली यहाँ पे सेफ रहे। इसके साथ ही यहाँ पे रिपेयर मोड भी डाला, यानी कि मोबाइल फोन में कुछ हो गया और अगर आप उसे रिपेयर करने डाल रहे हो लेकिन आपको डर है कि कोई अगर आपके अंदर के डेटा को अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस ना कर ले, रिपेयर मोड काफी अच्छा है कि रिपेयर मोड में डाल दिया फोन को उसके बाद आपका जो फोन रहेगा वो यहाँ पे प्रोटेक्ट रहेगा आपका पर्सनल डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ये भी अच्छा फीचर है। इसके साथ ही फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन को भी इंप्रूव किया गया है जिसके अंदर देखा जाए तो ऑफलाइन रख देगा आपके डिवाइस को और अगर आपका डिवाइस गलती से अगर चोरी वगैरह हो गया तो उसको यहाँ पे आसानी से फैक्ट्री रीसेट ना कर पाए डिवाइस को तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर डाला गया है। इसके अलावा प्राइवेसी सैंडबॉक्स है जिसके अंदर कुछ सारी एप्स को सैंडबॉक्स के अंदर चलाया जाएगा ताकि उसकी लोकल प्रोसेसिंग रहे और जो क्रॉस एप ट्रैकिंग रहती है ना वो यहाँ पे ना हो सके। इसके साथ ही ऑब्वियसली अगर कोई फोल्डेबल वगैरह यूज करता है तो एंड्रॉइड 16 के अंदर फोल्डेबल की एप्स को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा और एक ऐप अगर आप नॉर्मल स्क्रीन पे देख रहे हैं फिर आप फोल्ड वाली स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐप एडजस्ट हो जाएगी, बार बार ऐप को फोर्स रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही डेस्कटॉप विंडो जैसा फीचर है जिसे सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है जिसके अंदर आप मल्टीपल एप्स को ओपन कर
सकते हो, उनको रिसाइज कर सकते हो और टैबलेट के अंदर उसे अपने हिसाब से अलग अलग जगह एडजस्ट कर सकते हो, तो ये एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा देखा तो मल्टीमीडिया के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स डाले गए, जैसे कि इस बार HDR के अंदर स्क्रीनशॉट्स को लिया जा सकता है। यहाँ पे APV कोडेक को भी इंटीग्रेट किया गया, जिसके अंदर अगर आप कोई हाई एंड वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं 10 बिट के अंदर 422 के अंदर, तो वो चीज भी करना पॉसिबल है। और एंड्रॉइड भी अब देखा जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग के जो फीचर्स होते हैं वो अब एंड्रॉइड फोन्स में भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ ही एम्बेडेड फोटो पिकर है, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि लोकल और क्लाउड में से किसी आपको किस टाइप की फोटोज का एक्सेस यहाँ पर देना है। और इसी के साथ यहाँ पे ऑरा का स्ट्रीमिंग का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप दो ब्लूटूथ डिवाइसेस के अंदर अगर आप ऑडियो को स्ट्रीम करना चाहते हो दो अलग अलग ईयरफोन्स के अंदर, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ ही हेल्थ और AI रिलेटेड कुछ फीचर्स डाले गए, जैसे कि बैटरी हेल्थ का काफी अच्छा फीचर है, जिसके अंदर आप अपनी बैटरी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं, चार्जिंग वगैरह ऑप्टिमाइज करनी है तो वो कर सकते हैं। और AI के अंदर देखा जाए तो जेमिनी AI को बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया। एंड्रॉइड 16 का तो पार्ट नहीं है, लेकिन जेमिनी की जो लाइव AI वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जिसे आप बोलकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा तो उसे कैमरे का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। और देखा है तो पर्सनल AI डिजिटल असिस्टेंट बहुत अच्छा तरीके से जेमिनी AI लाइव बनाए। एंड्रॉइड 16 का पार्ट नहीं है, इसे आप कहीं भी किसी भी जगह डाउनलोड कर सकते हैं। और एक अच्छी बात ये लगी कि ये ऐप iOS में भी अवेलेबल, तो iOS के यूजर को अगर एप्पल इंटेलिजेंस ना मिले तो जेमिनी AI का तो यहाँ पे यूज कर ही सकते हैं वो लोग। इसके साथ ही हेल्थ कनेक्ट और EHR सपोर्ट जैसे फीचर है, जिसके अंदर अलग अलग API को बनाया गया, जिससे आप हेल्थ वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना एक ही जगह पे आप यहाँ पे देख सके। तो ओवरऑल देखा तो ये बेसिक कोर यहाँ पे फीचर डाले गए। और एंड्रॉइड 16 देखा तो काफी ज्यादा रिफाइंड और काफी ज्यादा नया लगता है। और एक बात अच्छी लगी कि ऑलरेडी स्टेबल रोल आउट आपको जून के अंदर ही देखने को मिल रहा है पिक्सल फोन के अंदर, और जुलाई के महीने से कुछ फोन्स मार्केट में ऑलरेडी आना शुरू हो जाएंगे जिनके अंदर एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। और आपको बता रहा हूं, जब तक iOS का 26 आएगा, मार्केट में ऑलरेडी ऐसे फोन आ चुके हैं जो एंड्रॉइड 16 के साथ रहे। तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड वर्सेज iOS की जो जंग रहती है, एंड्रॉइड किस तरीके से स्ट्रेटेजिक मूव का यूज कर करके आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपने आप के नए नए वर्जन निकाल रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि जो नए से नए लेटेस्ट फोन आए उनके अंदर जल्दी से जल्दी डेट पहुंचे। ज्यादातर जो कंपनीज है वो भी अपने स्किन और UI के अंदर एंड्रॉइड 16 को अडॉप्ट करें और मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव को लेकर आए। इवन सब यहां तक एंड्रॉइड तक बात नहीं है, चिप्स तक की भी बात है, क्योंकि इस बार तो ये प्लान किया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिप जो 8LE2 होगा और डिमेंसिटी 9500 ये भी टाइम से पहले लॉन्च होंगे, ताकि इनके भी जो डिवाइसेज होते हैं वो आपको इसी साल देखने को मिल जाए। प्लानिंग तो ऐसे की जा रही है, iPhone 17 है उसी के कुछ ही समय के अंदर अंदर एंड्रॉइड 16 पावर्ड स्नैपड्रैगन 8LE2 के डिवाइसेज भी मार्केट में हो। तो आप देख सकते हैं कि जंग किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से एंड्रॉइड का जो वर्ल्ड होता है ना, कितना ज्यादा कंपटीशन दे रहा है आईफोन और iOS वाले इकोसिस्टम को। देखने वाली बात है फ्यूचर क्या रहता है, लेकिन हाँ एडवांस फीचर कई सारी नई नई चीजें आई है एंड्रॉइड 16 में। आप लोग एंड्रॉइड 16 के अपडेट का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू, वीडियो देखने थी, मैं आप सुनता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।